तो कल के दिन बहुत भारी वाला कांड हो गया। मार्वल ने कॉमिक कॉन में जो है फेस 4 की एंडिंग के साथ साथ फेस 5 तो अनाउंस किया ही किया, लेकिन उसी के साथ साथ भाई फेस 6 तक अनाउंस कर दिया। मतलब सोच रहे हो कहां तक की प्लानिंग है इन लोग की। वैसे केविन फाइगी वी लव यू, और ये वाली वीडियो मेरी कल ही आ गई होती, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि एडिटिंग नहीं कर पाया था यार। खैर तभी रात को पीजे भैया की ये वाली वीडियो आ गई जो की मेरी वीडियो से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। लेकिन मैं बता दूं कि जब मैं ये इंट्रो चेंज कर रहा हूं तब रात के 9 बज रहे हैं, और हां इस वक्त तक मैं अपनी आधी वीडियो एडिट कर चुका था। तो मैंने इनकी वीडियो से बहुत कॉपी नहीं किया, हाँ थोड़ी बहुत चीजें उठाई हैं। तो उन सब बातों को साइड में रखते हैं और बिना किसी इंट्रो के चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्वल की फेस 4 की एंडिंग के बारे में। तो केविन फाइगी ने ये अनाउंस कर दिया कि मार्वल की जो है फेस 4 इसी साल एंड हो रही है अपनी ब्लैक पैंथर की मूवी वकांडा फॉरएवर के साथ। और इसी फेस 4 के अनाउंसमेंट के समय हमें एक ट्रेलर और एक टीजर देखने के लिए मिला, जिसमें हम सबसे पहले बात करें ट्रेलर की तो हमें सी हल्क का दूसरा ट्रेलर देखने के लिए मिला। मैं पहले सी हल्क के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं सी हल्क के लिए थोड़ा बहुत एक्साइटेड। हालांकि उसके VFX अभी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन ट्रेलर में सी हल्क का फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे बातें करना, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और इस सीरीज के लिए मैं पर्सनली सिर्फ इसीलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें डेयर डेविल का कैमियो देखने के लिए मिलने वाला है। और जितना मुझे पूरे ट्रेलर ने एक्साइट नहीं किया, उतना सिर्फ एक डेयर डेविल के लुक ने मुझे कर दिया। और लिटरली मैं ऐसे ही उछल कूद रहा था क्योंकि डेयर डेविल ट्रू लव है हमारा, और इसी के लिए मैंने सबसे पहला नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था। अब बात कर लेते हैं टीजर की, तो हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का टीजर देखने को मिला, जिसे देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फेस 4 की अभी तक की सबसे बेहतरीन मूवी होने वाली है। और इसी के साथ साथ ये मूवी काफी ज्यादा इमोशनल राइड भी देने वाली है आपको, तो तैयार हो जाइए। और जिस वे में एंजेला बैसेट ने ये डायलॉग बोला कि आई एम क्वीन इन द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड एंड माई इंटायर फैमिली इज गॉन, हैव आई नॉट गिवन एनीथिंग, तो जिस दर्द के साथ ये डायलॉग डिलीवर होता है वो पेन भाई फील होता है। और मैं दावे से बोल सकता हूँ कि ये मूवी फेस 4 को बहुत अच्छी एंडिंग देगा, क्योंकि ट्रेलर का म्यूजिक सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा ऑसम है, एंड आल्सो चैडविक बोसमैन एज अ ब्लैक पैंथर हमारे दिल में हमेशा जिंदा रह गया। अब आते हैं मार्वल की फेस 5 की तरफ, जहाँ पे फेस 5 की शुरुआत आंट मैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया मूवी के साथ होगी, जो की हमें 17 फरवरी 2023 को देखने को मिलेगी। और इस मूवी में टाइम से रिलेटेड बहुत सारे कांड होने वाले हैं, और यहाँ तक की उड़ते उड़ते ये भी खबर आई है कि इसमें हमें कैंग का कैमियो देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद सीक्रेट इन्वेंजन नाम की एक सीरीज देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में मुझे कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसमें निक फ्यूरी के बारे में कुछ दिखाया जाने वाला है। और ये सीरीज हमें स्प्रिंग 2023 में देखने को मिलने वाली है। और फिर हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 मूवी देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि मई 5 2023 को रिलीज होगी, यानी गर्मियों में। और जेम्स गन यानी कि इस मूवी के डायरेक्टर ने ये भी बताया कि ये मूवी काफी इमोशनल होने वाली है, शायद किसी कैरेक्टर की मेजर डेथ वेथ होने वाली है। तो मार्वल से एक रिक्वेस्ट है कि भाई जो नए कैरेक्टर तुम इस मूवी में इंक्लूड करने वाले हो उन्हीं में से किसी को निपटा देना, क्योंकि पुराने कैरेक्टर्स की डेथ अब हम नहीं सहने वाले हैं भाई, बहुत तकलीफ होती है। खैर उसके बाद इको नाम की एक सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो कि उसी साल गर्मियों में रिलीज होगी, यानी समर 2023 में। अब जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि इको जो है डेयर डेविल की मेन विलन किंग पिन की बेटी ही होती है, लेकिन वो डेयर डेविल के साथ चलती है और उसी के नक्शे कदम को फॉलो करती है। अब इसके बाद हमें लोकी का सीजन 2 देखने को मिलेगा, जो कि फिर गर्मियों में ही रिलीज होगा 2023 के। और इस सीरीज के लिए भी मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सीजन 1 में जो इन्होंने इतना सारा ढीला है, देखता हूँ कैसे लपेटेंगे। अब इसके बाद दी मार्वल्स मूवी देखने को मिलेगी, जो कि जुलाई 28 2023 को रिलीज होने वाली है। और इस मूवी से मैं कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि भाई इसके कैरेक्टर्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। कैप्टन मार्वल अच्छी लगती है, लेकिन मिस मार्वल को लेके मैं अभी भी बहुत कंफ्यूजन में हूँ। अब इसके बाद मार्वल की तरफ से हमें ब्लेड मूवी देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि 3 नवंबर 2023 को रिलीज होगी। और इस मूवी के लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे पापा हॉलीवुड के बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने ब्लेड मूवी की कई सारी सीडियां रखी हुई थी, और जब मैं छोटा था तो मैंने उनको कई बार देखा हुआ है, और वो मेरी बचपन की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। तो देखते हैं भाई उसको मार्वल में कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब उसके बाद हमें आयरन हार्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि भाई 2023 में कहीं रिलीज होगा, और इसका एक छोटा सा ग्लिम्स हमें वकांडा फॉरएवर के टीजर में देखने को मिला। अब इसके बाद विंटर 2023 में हमें अगाथा कोवेन ऑफ केओस सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो कि मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज का मार्वल का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैंस के डिमांड पे इसको बनाया जा रहा है। और इसके बाद कैप्टन अमेरिका की चौथी मूवी निकलने वाली है, जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि हमें 3 मई 2024 को देखने को मिलेगा। और इस मूवी में हमें नए वाले कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेंगे। और इसके बाद फाइनली हमें डेयर डेविल की एक सीरीज देखने को मिलने वाली है, डेयर डेविल बॉर्न अगेन, जो कि हमें स्प्रिंग 2024 में देखने को मिलेगा। और ये सीरीज डेयर डेविल के ओरिजिनल कॉमिक पे बेस्ड होने वाली है, और यही तो वो है जो अपन को चाहिए था। खैर ये सीरीज पहले जैसी आर रेटेड होगी कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस सीरीज में 18 एपिसोड होने वाले हैं, और डिज्नी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें तो ये सीरीज लगभग 4 महीने तक चलने वाली है। और इसके बाद मार्वल फेज 5 की एंडिंग होगी थंडरबोल्ट मूवी के साथ, जो कि हमें जुलाई 26 2024 को देखने को मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ये मूवी मार्वल के विलेंस के ऊपर बेस्ड होने वाली है, तो प्रोबेबली हमें कोई बहुत बड़ा विलन भी देखने को मिल
मिल सकता है इस मूवी में। और दिल के कोने से एक आवाज आ रही है कि ये मूवी मार्वल के फेज 5 को एक तगड़ी एंडिंग देगी। खैर अब आते हैं फेज 6 के ऊपर, जहाँ पे हमें सबसे पहली मूवी देखने को मिलेगी फैंटास्टिक फोर। और ये मूवी नवंबर 8 2024 को रिलीज होगी। पर मैं आपको बता दूं कि ये मूवी फेज 5 की पहली मूवी बनने वाली थी, लेकिन इसको डिले करके फेज 6 के पहली मूवी बना दिया गया। और इसके बाद फेज 6 में अवेंजर्स की दो बहुत बड़ी मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसमें से पहला है अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, जो कि हमें 2 मई 2025 को देखने को मिलने वाली है। और फिर उसी के लगभग 6-7 महीने बाद हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर देखने को मिलेगा नवंबर 7 2025 को। मतलब एक ही साल में अवेंजर्स की दो इतनी बड़ी मूवी, देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं ये लोग। लेकिन इसी के साथ साथ फेज 6 में 7 और भी प्रोजेक्ट है जिसका अनाउंसमेंट नहीं कराया गया, प्रोबेबली अगले साल कॉमिक कॉन में देखने को मिल सकता है। और हाँ, फेज 4 से लेके फेज 6 तक की इसी जर्नी का नाम रखा गया है दी मल्टीवर्स सागा। तो ये सारी अनाउंसमेंट थी जो कि कॉमिक कॉन में कराई गई मार्वल की तरफ से। और अगर मैं अपनी दिली इच्छा बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वकांडा फॉरएवर मूवी के लिए, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के लिए, और उसके बाद ब्लेड मूवी के लिए। और अगर सीरीजेस में बताऊं तो एको और डेयर डेविल बॉर्न अगेन। खैर आप इतनी सारी मूवीज एंड सीरीजेस में से किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ कमेंट पे मुझे ये भी बताना कि क्या आपको अंदाजा था कि केविन फाइगी फेज 6 अनाउंस कर देंगे, और इसके साथ साथ दो अवेंजर्स की इतनी बड़ी मूवी भी। लेकिन उससे पहले अगर मेरी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे कहीं से नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार 1000 सब्सक्राइबर का एम कंप्लीट कराना है। और इसी के साथ साथ अगर सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।